हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइजिंग बर्न। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया था, लास्ट टू लास्ट आई थिंक, उसमें आपको मैंने शेयर किया था हाउ टू मेक स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे अभी तक लिखना शुरू नहीं कर पाए हैं ड्यू टू एनी रीजन, आप उनको लिखना कैसे स्टार्ट करा सकते हैं, उनका रिटन पार्ट शुरू कैसे कर सकते हैं। आई होप कि पेरेंट्स ने वो सारी चीजें अपने बच्चों को कराई होंगी। मैंने स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन आपको बताई थी और वो रिपीट करने के लिए बोला था 1 वीक के लिए, मीन्स 1 वीक तक आप उसको बच्चे को सेम चीजें कराते रहें। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि आपको उसके बाद अब क्या करना है, कौन सा स्टेप आपको आगे बढ़ना है, उसमें क्या करना है, क्या लिखवाना है बच्चे से। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। सो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो आपका नेक्स्ट स्टेप है, मींस सेकंड स्टेप, रिटन पार्ट का सेकंड स्टेप। उसमें मैं आपको बताऊंगी, फर्स्ट थिंग इज स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग मींस दिस वे, मींस तिरछी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको स्लैंटिंग लाइन अपने बच्चे से किस तरह से, उसको इनोवेटिव वे में किस तरह से करानी है, ताकि बच्चा भी फील करे कि मैं कुछ न्यू कर रहा हूं या उसका इंटरेस्ट उसमें बना रहे। तो मैं आपको कुछ चीजें शो करूंगी, उसमें आप बच्चे को कराएंगे उसी तरह से, कुछ भी इनोवेटिव वे। ये जो लाइन है, इस तरह की लाइन को हम स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी सीधी ना हो के थोड़ी सी टेढ़ी होती है। तो हमें बच्चे की अगर लेटर फॉर्मेशन को स्टार्ट करना है, उससे पहले हमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन, ये सब आ जानी चाहिए। तो हम बच्चे को इस तरह से कुछ भी सुंदर सा ड्रॉ करके दे सकते हैं, ताकि उसको लगे कि कुछ अच्छा मुझे आज करने के लिए मिला है, उसका इंटरेस्ट उस चीज में जगना शुरू हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के डॉट्स क्रिएट करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप उस तरह का कुछ भी बना सकते हैं, और उसको बोलेंगे ये लाइंस, ये डॉट्स ज्वाइन करने के लिए। एंड यू हैव टू टेल दैट दिस इज स्लैंटिंग लाइन। इस तरह से आप उसको बोलेंगे कि ज्वाइन द डॉट्स, सी। तो इस तरह से आप ये सारे लाइंस कराएंगे आप अपने बच्चे से। अभी जो मैंने आपको लास्ट में बताया कि आपको जो क्लाउड्स में मैंने स्लैंटिंग लाइन दी हुई थी, उस तरह की लाइन बनवानी है, मतलब थोड़ी लंबी बनवानी है। देन उसके बाद आप थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। तो मैंने इस तरह से ये करा हुआ है ताकि बच्चे को इंटरेस्टिंग कुछ लगे। तो हम बच्चे से ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने, आप कैट ड्रॉ करेंगे, उधर माउस ड्रॉ करेंगे, और उसमें आप बच्चे से पूछेंगे कैट माउस के पास कैसे जाएगा। तो ये रास्ता है, दिस इज द वे। तो इस तरह से बच्चा स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेगा, ये इन दिस वे। एंड कैट माउस के पास आ गई। नाउ डॉग अपने घर पर कैसे जाएगा, बच्चे के लिए तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसी छोटी छोटी चीजों को हम इंटरेस्टिंग बना के बच्चे को कुछ भी वर्क दे सकते हैं। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो वर्क हम उसके लिए फ्रेम कर रहे हैं वो उसको बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो कि वाओ कितना सुंदर है टाइप वाली फीलिंग बच्चे के अंदर आनी चाहिए। तो हमने अभी तक ये मतलब कुछ भी पिक्चर ड्रॉ करके हम उनको लाइंस कराएंगे, बट फिर उसके बाद में 2 डेज हम उस तरह का रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद में हम सिंपल लाइन देंगे उसको, इस तरह से आप कोई भी नोटबुक यूज कर सकते हैं, और ये स्लैंटिंग लाइन हम इस तरह से उनको बनवाएंगे, ठीक है। पहले हम काफी ज्यादा डॉट देंगे ताकि बच्चे के लिए थोड़ा इजी रहे, ठीक है। अब हम एक इस डायरेक्शन में देंगे, देन उसके बाद में ये मैंने यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर दिया, मैंने डायरेक्शन इधर की तरफ कर दी है, ठीक है। इस तरह से आप ये डायरेक्शन चेंज कर देंगे। फिर ये चीज आप बच्चे से एटलीस्ट 4 to 5 days रिपीट कराएंगे, देन उसके बाद आप सिर्फ 3 डॉट का यूज करेंगे, ओनली 3 डॉट्स। ये धीरे धीरे करके फिर बच्चे को सारा हैबिट में आ जाएगा, ठीक है।
इसमें भी पहले आप इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, देन उसके बाद में आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. देन यू हैव टू यूज ओनली टू डॉट्स. आप उसको उसके बाद में टू डॉट यूज करेंगे कि जॉइन दिस डॉट विद दिस. एंड इसमें भी आप डायरेक्शन चेंज करेंगे. सो इस तरह से आप बच्चे को स्लैंटिंग लाइन सिखाएंगे. और इस चीज को जो भी मैंने एक एक करके आपको बताया कि आपको पहले बड़ी लाइंस ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद में थोड़ा छोटा, फिर उसके बाद में आपको थ्री डॉट छोटी लाइन, बहुत ही छोटी लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद में थ्री डॉट्स, देन टू डॉट्स. तो आप इस तरह से बच्चे की डिफिकल्टी को बढ़ाएंगे, ठीक है. बट एक चीज का आपको ध्यान रहे कि बच्चे के लिए जो वर्क आप फ्रेम कर रहे हैं, इट शुड बी इनोवेटिव, इट शुड बी अट्रैक्टिव फॉर द किड्स. अब हमने स्लैंटिंग लाइन कर ली. दिस यू हैव टू रिपीट फॉर 1 to 2 weeks. आप इसको 1 to 2 week तक कराइए, क्योंकि स्लैंटिंग लाइन बच्चा इतनी इजीली नहीं बना पाएगा जो बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है लिखना, ठीक है. अब हम आपको कर्व लाइन के बारे में बताएंगे, ठीक है. स्लैंटिंग लाइन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको कर्व लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है. अब मैं आपको बताती हूँ हाउ टू मेक योर चाइल्ड टू ड्रॉ कर्व लाइन. आप उससे कैसे कर्व लाइन बनवाएंगे. सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने एक रेनबो का एक इमेज सा बनाया है यहाँ पर. मींस प्रॉपर रेनबो नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर रेनबो बनाऊंगी तो बच्चा लाइन कैसे ड्रॉ करेगा, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे डॉट 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 करके ये इसको एक रेनबो की फॉर्म में दे दिया. आप यहाँ पे अच्छे अच्छे से कलर यूज कर सकते हैं, इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है. तो दीज आर कर्व लाइन. ये जो घूम के लाइन बनती है, ऑल दीज लाइन्स आर कर्व लाइन, ठीक है. कर्व आ रहा है इनमें, घुमाव आ रहा है. तो हम बच्चे को ये कैसे लिखना सिखाएंगे. हम स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट लाइन दिस. यहां से आप इस तरह का रेनबो ड्रॉ करके बच्चे को बोल सकते हैं, बेटा जस्ट जॉइन द डॉट्स. आप इस तरह से डॉट्स को जॉइन करिए, ठीक है. देन और बच्चे को बताइए कि ये क्लाउड है एंड दिस इज रेनबो, एंड रेनबो कर्व शेप में होता है. आप बच्चे को डॉट्स को इस तरह से ज्वाइन कराएंगे सारी डॉट्स, और ये स्टार्टिंग होगी हमारी कर्व लाइन की. मतलब आपको ऐसे नोटबुक, बच्चे को नोटबुक ऐसे नहीं घुमानी है, बट स्टार्टिंग में वो ऐसा कर सकता है अपनी इजी बनाने के लिए अपनी राइटिंग पार्ट को, बट हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए. अब हमने रेनबो के बाद में मींस फिर से ही हम जैसे हमने स्लैंडिंग लाइन में पहले बड़ी लाइंस ली थी, इसी तरह से हमने कर्व लाइन में भी पहले बड़ी लाइन ली है. अब मैंने ये बॉल यहाँ पे ड्रॉ करी है, तो बॉल जब हम बॉल को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो किस तरह से इस तरह से टप्पे खाती है, एंड उसी शेप में मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है. तो दीज आर ऑल्सो कर्व लाइन. आप फिर उनको डॉट्स ज्वाइन कराने के लिए बोलेंगे और इस तरह से ये लाइन कंप्लीट कराएंगे आप अपने बच्चे से. तो मैंने सिर्फ यहाँ पे दो ड्रॉ किए हैं, एक मैंने बलून ड्रॉ किया है एंड यहाँ पे बॉल ड्रॉ किया. बट आपको बहुत, आप जितना ज्यादा बच्चे को करा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी करा सकते हैं, जितने ज्यादा टाइम तक आप इसको कराएंगे, उतना ही बच्चे के राइटिंग पार्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है. इस तरह से हम बलून की भी ये डॉट्स को ज्वाइन करा सकते हैं, कराएंगे. ओके, यू हैव टू डू इट. नाउ हम यहां से फिर हम इधर आएंगे और इसमें हम बच्चे को इस तरह से डॉट देंगे इन कर्व शेप लाइक दिस. इसको भी आप एटलीस्ट 4 to 5 times रिपीट कराएंगे. देन उसके बाद में आपको ये डायरेक्शन इसकी चेंज कर देनी है. ओके, आफ्टर दैट अगेन चेंज दिस डायरेक्शन दिस टाइप इन दिस वे, अगेन चेंज द डायरेक्शन. अब उसको कर्व सभी डायरेक्शन से बनाना आ जाएगा. देन यू हैव टू जस्ट स्टॉप यूजिंग मोर डॉट्स. आप ज्यादा डॉट्स उसमें यूज नहीं करेंगे, ओनली जस्ट मेक टू डॉट्स और उसको बोलेंगे कर्व ड्रॉ करने के लिए. स्टार्टिंग में आपको एक दो लाइन आपको ही हेल्प करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा दैट हाउ टू ड्रॉ कर्व, ठीक है. आओ फिर उसके बाद में हम डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर देंगे इसकी. तो इस तरह से आप बच्चे को
कर्व लाइन बनाना सिखा सकते हैं। स्लैंटिंग लाइन के बाद में यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू टेल योर चाइल्ड हाउ टू मेक कर्व लाइन। सो अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप अपने बच्चे को स्लैंटिंग लाइन और कर्व लाइन ड्रॉ करना सिखा सकते हैं। आप ये चीज बच्चे को 1 वीक स्लैंटिंग लाइन या अपने अकॉर्डिंगली उसको करा सकते हैं, बट 1 वीक से कम आपको कोई भी चीज नहीं करानी है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको इसमें से कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। मीन्स आपको अगर अपने बच्चों को लिखना सिखाना है तो ना तो आपको स्टैंडिंग लाइन स्किप करनी है, ना स्लैंटिंग लाइन, ना स्लीपिंग लाइन, ना कर्व लाइन। मीन्स जो मैंने आपको चारों लाइन बताई है, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग, कर्व, इसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है अगर आप चाहते कि आपके बच्चे का रिटन पार्ट अच्छा हो, क्योंकि ये स्टेप्स हैं अपने बच्चे को रिटन या लेटर फॉर्मेशन सिखाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन।